और वही डोरी एंड टेसल। हे गाइज, माय नेम इज राखी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो से मंगाए हुए अनारकली कुर्ता सेट का रिव्यू। हाँ जी, वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो पूरी देखना, और पूरी देखने के बाद वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लंबा खींचे हुए, लेट गेट स्टार्टिंग। सो पहला जो सूट है वो है ये वाला, ठीक है। बात करती हूँ इसके दुपट्टे की, तो इस दुपट्टे की जो चौड़ाई है वो है 1 मीटर के अप्रोक्स, 1 मीटर के आसपास, ये 1 मीटर नहीं सॉरी आधे मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी जो इसकी लंबाई है ना वो पूरी 2 मीटर की है, इनफैक्ट 2 मीटर से थोड़ी ज़्यादा ही है। बाजू दुपट्टे पे किनारे पे ये इस तरीके की झालर लगी हुई है, ये उल्टी साइड से है, ये देखो ये झालर लगी हुई है जो कि इस के दुपट्टे को 4 चांद लगा रहे हैं। ये दुपट्टा जॉर्जेट का है, फ्लावर प्रिंट है, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और पहनने के बाद भी इस दुपट्टे का लुक ना ऑसम आ रहा था, इसकी वजह से इसमें जान आ गई बिल्कुल ही। अब आती हूँ इसके कुर्ते पे, कुर्ते पे नीचे की तरफ से ना ये लगी हुई है पाइपिंग, प्लास्टिक वाली जो वायर होती है ना उस टाइप की लगी हुई है, जिसकी वजह से ना इसमें कर्व आ रहा है। ये देखो दिख रहा है आपको, ये जब नीचे की तरफ आता है ना तो बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आता है पहनने के बाद। और अंदर की तरफ ना ये लाइनिंग भी लगी हुई है जो कि बिल्कुल भी इरिटेटिंग फैब्रिक नहीं है, ब्यूटीफुल सा सॉफ्ट सा फैब्रिक है। बैक साइड जो इसका नेक लाइन है वो है राउंड में है, और ये टैसल लगे हुए हैं लंबी लंबी, ये देखो यार वाओ कितनी लंबी डोरी इसके अंदर लगी हुई है, और डोरी में वही अगेन जो फैब्रिक का दुपट्टा है कुर्ता है उसी के टैसल्स इसमें लगे हुए हैं। मैंने जो साइज मंगवाया है लार्ज मंगवाया है, ये लार्ज में क्या होता है आपको ऑल्टर करने के लिए फैब्रिक मिल जाता है जब आपका वेट ऊपर नीचे होता है, एग्जैक्ट साइज मंगवाने पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब थोड़ा सा वेट बढ़ता है, और मुझे थोड़ा लार्ज ठीक रहता है, हल्का सा मुझको लूज रहता है बट मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मैंने इस कुर्ते के साथ बेल्ट लगाई है, बेल्ट लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये आगे का जो नेक है वो है ये राउंड में है, और आगे की तरफ ये ना गोल्डन कलर की पाइपिंग लगी हुई है, इस पाइपिंग का फैब्रिक भी बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, आपको इरिटेट नहीं करेगा पहनने के बाद। ये इसका अपर पोर्शन है, देन आप ये देखो इसका घेरा, ये देखो कितना सुंदर आ रहा है, ये देखो ठीक है, इसका घेरा बहुत ज़्यादा है और पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप इस टाइप का कुछ ढूंढ रहे हैं अंडर बजट तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, अंडर 1000 ही है ये, बट जो भी इसका प्राइस होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। जॉर्जेट का है ये, जॉर्जेट का है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है ये। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाले जो सेट है मैंने आपको रिव्यू देने के लिए मंगाया है, मैंने अपने पर्सनल पहनने के लिए ही मंगवाए हैं, और यहाँ पर लाइट चली गई है तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया है, तो खैर कोई बात नहीं, शो गो मस्ट ऑन, काम करते रहना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट है वो ये वाला है ऑरेंज कलर का, ये भी जॉर्जेट में ही है इसका फैब्रिक। पहले आती है उसके दुपट्टे पे, दुपट्टा जॉर्जेट का नहीं है, दुपट्टा इसका कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किस टाइप का ये फैब्रिक है, जॉर्जेट भी आप कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा जॉर्जेट में भी आ रहा है ये, पर थोड़ा कड़क है जॉर्जेट में, और इसमें कटवर्क हो रखा है, और उस कटवर्क पर ये गोल्डन कलर का इस पर ये इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब कढ़ाई हो रखी है गोल्डन कलर के धागे से, इसके ऊपर पूरे पे कढ़ाई हो रखी है। ये दुपट्टा भी बिल्कुल उतना ही है, इसकी चौड़ाई जो है ना अच्छी खासी दे रखी है, ये देखो इधर की तरफ जो साइड में जो लटकता है ना आगे पीछे की तरफ उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन नहीं है दुपट्टे पर, बीच बीच में ये फ्लावर बने हुए हैं। दुपट्टे का प्रिंट जो है ना वो बहुत ही सुंदर है, इस टाइप के प्रिंट की पहले साड़ियाँ चलती थी जॉर्जेट में जो कि कोई नहीं पहनता अभी के टाइम पर, बट अभी इस टाइप के सूट आ रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जिसने भी दिमाग लगाया ना बहुत ही बढ़िया लगाया है। ये देखो कितना सुंदर दुपट्टा लग रहा है इसका, दुपट्टा पूरा 2 मीटर का है, नहीं 2 मीटर से थोड़ा सा कम है, नहीं 2 मीटर है, पूरा 2 मीटर का दुपट्टा है, 2 मीटर से बिल्कुल भी फालतू नहीं है, बट बहुत ही सुंदर है ये दुपट्टा ना,
अब आ जाते हैं इसके कुर्ते पर। कुर्ते की जो नीचे तरफ का जो घेरा है उस पर पहले जो पे जो प्लास्टिक की वायर की काम हो रखा था, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें नीचे की तरफ पे ये सिलाई हो रखी है। ये देखो इस पर ये नीचे सिलाई हो रखी है इसमें, और लाइनिंग का जो कपड़ा है बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसमें था, वही वाला कपड़ा है, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है, सॉफ्ट सा है, पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। बात कर लेती हूँ इसके नेक लाइन की, तो फ्रंट पे जो आगे का जो नेक है वो है ये स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट इसका नेक है। और जब बैक की बात करूँ तो वो राउंड में है, और वही डोरी एंड टेसल, तो ब्यूटीफुल सा है। 3/4 इसकी स्लीव है, उसकी स्लीव भी 3/4 ही थी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, इसकी स्लीव भी 3/4 थी। ये देखो काफ़ी अच्छी खासी स्लीव है, और इसकी भी, ये मुझे लूज है, अगर आप प्रॉपर फिटिंग करके पहनोगे ना कयामत ढाओगे, कयामत, इतने कम बजट में ना आग लगा दोगे आप। क्योंकि इस टाइप के कुर्ते अगर आप सिलवाने भी जाओगे ना बहुत पैसे लग जाते हैं, पता है। अगर आपको ये बिल्कुल हल्के लग रहे हैं ना तो आप इसमें खुद भी काम कर सकते हो, लाइक जैसे कि आपने स्लीव पे कुछ लेस वगैरह लगा ली, नीचे की तरफ लगा ली, बेल्ट ले ली, एक बेल्ट में काम कर लिया, दुपट्टे में थोड़ा सा काम कर लिया, मतलब 400-500 रुपए के प्लेन कुर्ता खरीदो अनारकली वाला और उसमें खुद ही काम कर लो और बना दो 2-3 हज़ार का मस्त पीस। कैसा लगा आइडिया? अगर आपको आइडिया पसंद आया हो ना, इसी बात पे वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी मत जाना। ये देखो इसकी पहनने के बाद इतनी सुंदर फिटिंग आ रही थी ना मुझे, ये हल्का सा लूज था, लूज होने के बाद भी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई थी। ये है फ्रंट, इसमें फ्रंट पे ये दो डॉट बने हुए हैं, और इसी तरीके के डॉट बैक में भी है। ये देखो ये डॉट्स बने होते हैं ना तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अभी मैं आपको इसका घेरा दिखा देती हूँ, ये देखो, आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा इसका घेरा है, है ना, मस्त और जॉर्जेट का कुर्ता है। तो मुझे तो ये सूट बहुत 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 अच्छा लगा, हाईली रिकमेंडेड, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ते सेट पे आते हैं, वो ये वाला, ठीक है। इसका जो दुपट्टा है वो है कॉटन सूती वाला, जैसे हमारे दादा लोग, दादा पर दादा धोती पहनते हैं ना, तो धोती का कपड़ा एकदम हल्का हल्का नहीं होता, पतला पतला सा, उस टाइप का इसका कपड़ा है, बिल्कुल भी पोचा या रसोई के पौने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ रिव्यू देखे थे जिसमें वो लोग बोल रहे थे कि कपड़ा ऐसा है जैसे पोचा, कपड़ा ऐसा जैसे रसोई का कपड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सूती का कपड़ा है, और सूती के जो कपड़े होते हैं ना वो इसी टाइप के ही होते हैं। तो ये सूती का है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में ना शिफॉन और जॉर्जेट के दुपट्टे में आप नहीं ओढ़ सकते, वो भागते हैं, और हमको तो, हमारे में, मैं हरियाणा से हूँ तो हमारा कल्चर है सर पे रखने का है, हम लोग सर पे पल्ला रखते हैं, घूंघट भी करते हैं हम अपने फादर इन लॉ से, उनके आगे हम बोलते भी नहीं है, तो हमारे लिए तो एकदम वर्थ है ये, एकदम बेस्ट है, इसमें हम आराम से घूंघट कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं खींचेगा ना रपटेगा। बाकी मैं कॉटन के दुपट्टे ही बाय करती हूँ, क्योंकि जॉर्जेट और शिफॉन के थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, वो कहीं आने जाने के लिए ठीक है, बट घर में आप गर्मियों में नहीं ओढ़ सकते, और हम तो सूट पहनते तो हमें ओढ़ना ही होता है दुपट्टा तो, बट ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर में ही ओढ़ रहे हो, बाहर नहीं ओढ़ सकते, बाहर भी आप इसको ओढ़ सकते हो, बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है, 2 मीटर का दुपट्टा है, और इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है, और प्रिंट आपकी आंखों के सामने ही है, कितना सुंदर इसके ऊपर प्रिंट दे रखा है, टाई एंड डाई का इस पर वर्क है, बहुत सुंदर दुपट्टा है। तो दुपट्टे को मैं 5 स्टार देना चाहूंगी। अब बात करूंगी कुर्ते की, तो कुर्ता तो मतलब ना आग लगा देगा, पहन के निकलोगे ना आग लगा देगा, इतना सुंदर कुर्ता है इसका। मैंने लार्ज साइज में बाय किया था, बट उन्होंने मुझे लगता है आई थिंक एक्सेल साइज दे दिया, मुझे लार्ज ही लूज आता है, तो आप सोचो मुझे एक्सेल कितना बड़ा होएगा, ये देखो, अरे बाबा रे कितना बड़ा है। बट मैंने जब इसको क्लिप लगा के पहना ना, ये कहाँ से आ रहे हैं, आई थिंक ये सीमे से निकल रहे हैं आगे, बट मैंने ना बैक साइड में क्लिप लगा ली थी कुर्ते पर फिटिंग करके, इतना सुंदर, मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत ही सुंदर सेट है, खरीद लेना चाहिए, कॉटन का है, क्या दिख गया, बट इतना इतना सुंदर, मेरे आंसू आ गए। ये देखो आप इसका फ्लावर प्रिंट देखो, बारिश आ गई बाहर, लाइट गई ना, बारिश या मस्त गजब की बारिश हो रही है बाहर,
मुद्दे पे आते हैं, स्वीट हार्ट है इसका जो गला, और ये जो आप देख रहे हो ना बद्दी, ये बैक साइड में है, फिनिशिंग से काम हो रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा काम हो रखा है इसमें। ये देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देख रहे हो आपको, ये उस टाइप का काम है जब आप टेलर से खुद सिलवाने जाते हो ना कुर्ता, तो वो कितनी फिनिशिंग के साथ काम करता है। ऑनलाइन में थोड़ा अनइवन हो जाती है चीजें, बट आप खुद से जब स्टिच करवाते हो तो कितना फिनिशिंग से काम होता है, उसी टाइप का इसमें फिनिशिंग से काम हो रखा है। इतना ब्यूटीफुली पैक था, इतना ब्यूटीफुली ये आया है ना कुर्ता, दिल खुश हो गया मेरा, मैं 5 स्टार दूंगी। मेरे पास आ रहे हैं नोटिफिकेशन, ये देखो इसका घेरा देखो यार, ये देखो घेरा तो मतलब उन सब से बहुत ज्यादा है। इसका जो घेरा है ना, ये जो दो कुर्ते मैंने लिए हैं इनसे कई गुना ज्यादा घेरा है इसका, ये देखो। बहुत ज्यादा घेरा है उससे, तो मुझे ये कॉटन का कुर्ता है बहुत ज्यादा पसंद आया। फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है, कॉटन का है, और पीछे की तरफ से नेक डिज़ाइन, इसका नेक का जो गला है वो राउंड में है, और राउंड नेक पे ये ऐसे स्टेप लगी हुई है। मैं और सूटों पे भी लगवाऊंगी, मुझे ये बहुत सुंदर लगा। स्लीव इसकी 3/4 है, मुझे थोड़ा सा लूज है, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको अल्टर कर लूँगी, फिटिंग कर लूँगी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप इसे 100% डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है। इसका प्राइस सबसे कम है इन तीनों सेट में, ये सबसे कम इसका प्राइस है, और तीनों में मुझे ये सबसे अच्छा लगा। 814, ये अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है मैंने, तो 814 का ये मुझे अच्छे से याद है, मुझे 814 रुपये का मैंने ये सेट खरीदा है। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना। दोबारा से मैं कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आ रहा है तो उसका रिव्यू मैं इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल में शेयर कर चुकी हूँ, नहीं करा है तो मैं जल्दी से शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको ये मेरी ज्वेलरी कैसी लगी, तो मैंने अपना ज्वेलरी कलेक्शन भी आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो भी नहीं देखी है तो जल्दी से जाना और मेरी वो वीडियो देख लेना। शायद इससे पहले मैं ये सब वीडियो शेयर कर दूं या फिर इसके बाद करूं, जो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।